यह तुम्हारा झंडा है, इसे हमारे सामने जलाओ और रुखसार को ले जाओ। जनाब, आप हैं। औरत का असली नाम उसके पति के नाम से होता है और उसका पता होता है उसका ससुराल। मेरे पति का तिरंगा अब मेरा तिरंगा है। सांस का एक कतरा भी बचा रहेगा जान में, आज नहीं आने देंगे तिरंगे की शान में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आ गया मौत के मुंह में, क्या लगता है तुझे इसे यहां से जिंदा लेके जाएगा? खून खराबा हमारा मकसद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे सराखों पर बिठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे। रुक जाओ, सच कहा है किसी ने, तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग होता तो मौत को दावत नहीं देते। दिमाग की तो बात ही मत कर, जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग होता है ना, उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। तो हमारे सामने हमारे मुल्क में आके हमारी तौहीन करेगा? पहले तेरे टुकड़े करूंगा, फिर तेरे हिंदुस्तान के। हवाओं में जहर घोलने वाले, सुन, फिजाएं हमारे इशारों पे बदलती हैं। तू क्या मिटाएगा हस्ती हिंदुस्तान की, हम शेरों के जिगर में मां भारती बसती है। हिंदुस्तान के टुकड़े करने के बहुत सपने देख लिए आप लोगों ने, मौका अच्छा है, बेटी को विदा कर हिंदुस्तान से हाथ मिला लीजिए, आप लोगों की जान बख्श दी जाएगी। तुम हमारी जान बख्शने की बात कर रहे हो, लगता है तुम लोग भूल गए हो, संसद, कारगिल, 26/11 और अभी ये ताजा जख्म। हमने अपने इशारे पर तुम्हारे मुल्क को दहला दिया और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से दहलाएंगे, लहराएंगे तिरंगा आप सारे आसमान पर। भारत का नाम होगा तुम सबकी जुबान पर, ले लेंगे जान एक की गीदड़ बना के, जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। ये तना भारी भरकम डायलॉग काहेला मार रहे हो यार, मामला बिगड़ गए तो उखाड़े खातिर हंड पंपो नहीं के। ए, चुप। देखिए प्यार से समझा रहा हूँ, हम यहाँ सिर्फ रुखसार को ले जाने आए हैं। जिस मुल्क में चंदन का पेड़ होगा वहां तेरे जैसे सांपों का आना जाना लगा रहेगा। आज हम इस चंदन के पेड़ को ही उखाड़ ले जाएंगे, अब तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रुक जाओ, इन जिहादियों को देख रहा है, ये सच्चे मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान। मेरे एक इशारे पर तुम सबका सर कलम कर देंगे। किस मुसलमान की बात कर रहे हो तुम? ये पाकिस्तानी मुसलमान? अरे तुम लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो, अरे बच्चों तक को मार देते हो। तुम लोग इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, धब्बा। चुप हो जा, हम तेरे जैसे मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं और हिंदुस्तान में बसी तेरी सारी कौम को भी। सुन लिया आप सबने, हमारे लिए इनका यही नजरिया है।
लड़ाई में अगर हम एजा मर जाएं, तो इन नापाक जमीन पर हमर लाश के मत छोड़िया। मरे के बात मत करिया, हम ही हमारे ना मारे आइल बनी। देख लिया, हिंदुस्तान में हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हिंदू हो या फिर मुसलमान। बहुत भाई भाई के नारे लगा रहे ना, पूछ अपने काफिर भाई से, कोई दुरूद शरीफ पढ़ सकता है क्या? काफिर काफिर कह के काफिर की गलत परिभाषा मत गढ़। कौन कितना इस्लाम जानता है ये जानने के लिए चार आयत हम पढ़ते हैं, चार तू भी पढ़। अल्लाहुमा सल्ले अल्लाह मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा सल्लैता अल्लाह इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुमा बारिक अल्लाह मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा बारकता अल्लाह इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। मान जाइए कुरैशी साहब, वरना ये आप लोगों की फातिया भी यहीं पड़ देगा। रुक जाओ। इसके मुंह से आयत सुनकर हमें यकीन हो गया है कि इसे इस्लाम से मोहब्बत है। हम इसे अपनी लड़की देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त। अपनी बीबी के लिए हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। यह तुम्हारा झंडा है, इसे हमारे सामने जलाओ और रुखसार को ले जाओ। जनाब, आप हैं। औरत का असली नाम उसके पति के नाम से होता है और उसका पता होता है उसका ससुराल। मेरे पति का तिरंगा अब मेरा तिरंगा है। सांस का एक कतरा भी बचा रहेगा जान में, आज नहीं आने देंगे तिरंगे किसान में। जय हिंद। खत्म करो इन कमीनों को। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हम मरेंगे तो सबको लेकर जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। Yeah, yeah.